आप चारों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अरुणा मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इंस्पायर किया आपको, जो आपने आज जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया मीडिया वालों को, थोड़ा सा बताइए क्या इंस्पिरेशन थी इसके लिए। मैंने आज से नहीं शुरू किया, पहले भी मैं करती थी, मैं अकेली करती थी और किसी को पता नहीं था। मैं सोशल मीडिया में भी नहीं पोस्ट करती थी, तो मुझे किसी ने कहा सोशल मीडिया में डालना चाहिए ताकि लोग आपको देखें, आप उनको जागरूक कर सकते हैं, आपसे प्रेरित हो सकते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ, मैं हमेशा डोनेशन करती हूँ और जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं ये लोग भी अपने हिसाब से करती हैं। तो फिर मैं इनको मिली, तो फिर मैंने बोला मैं ऐसे करती हूँ, तो इन्होंने भी गीता, इनका नाम गीता है, ये बच्चों के लिए करती हैं, लड़कियों के लिए, शी गोज़ एंड जो स्ट्रीट में बैठती हैं उनको जाके डोनेट करती हैं। और ये आयशा जी हैं, ये भी मेडिसिन वगैरह सब हेल्प करती हैं, लोगों को डोनेशन देती हैं। और ये स्मिता जी हैं, ये भी लड़कियों को पैड्स वैड्स डोनेशन करती हैं। तो हम सब एक साथ, मैंने सोचा क्यों ना हम सब एक टीम बनाए। अभी तक तो मैं फैशन शो करती थी वर्क फॉर अ कॉज, तो अभी हमने सोचा वर्क फॉर अ कॉज करते हैं हम सब मिलके। तो इन्होंने ही आइडिया दिया, अभी हमने अपना एक ग्रुप बनाया वर्क फॉर अ कॉज, और अभी हम एक साथ मिलके ये कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन तो आती है, अभी आपने देखा कि वक्त कितना बुरा है, आप टीवी में देखते हो बेड्स नहीं है, कुछ नहीं है, हम सोशल ग्रुप में हैं, मैं आयशा हम सब सोशल ग्रुप में हैं, किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो हमसे जितनी कोशिश होती है हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। धन्यवाद। एक गीता, आप तीनों से जानना चाहूँगा मैम, एक एक करके बताइए कि कैसे आप लोग साथ में जुड़े, और जैसे मैम ने कहा कि आप लोग अब एक टीम हो, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा बताइए एक एक करके कि कैसे आप लोग एक साथ आए और क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन था आप तीनों के लिए। मैं हम तो अरुणा को जानते ही थे पहले 2 साल से, बट कभी ऐसे मौका नहीं मिला कि साथ में कुछ करें, यू नो, फॉर सोसाइटी। सो बेसिकली वी गॉट टुगेदर, जैसे अरुणा जी ने बोला कि वी शुड गेट टीम एंड डू द सोशल कॉज बेसिकली। सो ऐसे डिसाइड करके हम लोगों ने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, एंड उस पर हम ये सब जो भी हम वर्क करेंगे गरीबों के लिए, वी विल पोस्ट, सो यू नो, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। सो वी वॉन्ट टू टेक इट इन अ बिगर लेवल, सो दैट्स द रीज़न वी गॉट टूगेदर एंड वी आर डूइंग दिस, एंड दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप। थैंक्स टू अरुणा, शी कॉल्ड अस हियर टुडे, एंड दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। थैंक यू। माय नेम इज़ आयशा, और अरुणा से वही 2-3 साल पहले हम लोग मिले। जैसे हम लोग, अरुणा ने बताया, हम लोग सब पहले से ही सोशल कॉज में हैं, तो ऐसे हम लोग की बातें करते करते पता चला कि अरुणा इज़ ऑल्सो इंटू दिस एंड अरुणा कम टू नो के हम लोग भी करते हैं। तो फिर हम लोग ने सोचा कि एक जन के करने से पूरा समाज और बहुत लोगों की हेल्प नहीं होती है, तो व्हाई डोंट वी वर्क टुगेदर। तो इसके लिए हम लोग ने स्टार्ट किया साथ में, कि जिसका जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक शी हैज़ गुड कॉन्टैक्ट्स, उसके थ्रू इनके हम सबके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम लोग थोड़ा थोड़ा, और अगर हमें कोई नहीं भी करता है तो हम लोग हमारी जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से वी लाइक टू हेल्प पीपल। लाइक अभी हम लोग मेडिकेशंस में भी देख रहे हैं, अगर सोशल वर्क सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है, इमोशनली भी होता है, थोड़ा फिजिकली भागम दौड़ी भी होता है, तो वी आर इनटू दैट। तो हम लोग वो सारे तरीके से कर रहे हैं, और हम लोग कोई जात धर्म देख के नहीं करते। लाइक हम सब कम्युनिटी के लोग हैं, सिंधीज, पंजाबीज, मराठी, मुस्लिम, तो दिस शोज के यूनिटी में ही काम होता है, कोई एक धर्म से काम नहीं होता है। तो बस हमारी फ्रेंडशिप ऐसी बनी रहे, ये आप लोग सब प्रेयर करना, और हम ऐसे ही सोशल वर्क करते रहे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस दिल में भावना सबके हो। हम लोग अपनी पॉकेट से भी निकाल के खर्च करते हैं, मोस्टली हम लोग अपना ही करते हैं। स्मिता, और मैं अरुणा को वेरी थैंकफुल, आज उसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से करते हैं, पर कभी ऐसे मीडिया के सामने आए नहीं है। सो दिस इज ऑल थैंक्स टू अरुणा, शी इज अ ग्रेट सपोर्ट टू अस, और उसकी वजह से हम भी और कुछ और आगे करते रहेंगे। अरुणा मैम, अगर बात करें सोशल एक्टिविटी की, तो सोशल एक्टिविटी हिंदुस्तान के अलावा आपको बाहर से भी लोग मदद कर रहे हैं एक्टिविटी के लिए, आपकी लड़की भी कर रही है मदद, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, मैंने अभी तक किसी को कुछ बोला नहीं था, लेकिन मेरी डॉटर को मैंने बोला, अपनी बेटी को, कि मैं ये राशन डोनेट, उसे पता है उसकी माँ बहुत ये करती है सोशल वर्क, तो मैंने उसे कहा कि मैं ये राशन डोनेट कर रही हूँ, और उसने बोला वो टीवी में देखती है हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है, तो उसने अपनी कैनेडियन बॉस है उसको बोला, तो वो भी हमेशा मेरी बेटी से पूछती रहती थी, हाउस या मॉम, तेरी मम्मी ठीक तो है ना, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत हालात ख़राब है। जब मेरी बेटी ने बोला कि मेरी मम्मी ये सब सोशल वर्क कर रही है, तो फिर उसने कहा कि मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ,
वो लोग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं राशन, वो लोग बोलते हैं फूड बास्केट। तो उसने बोला अरुणा इवन आई वुड लाइक टू डोनेट फूड बास्केट। तो उसने भी डॉलर्स मुझे भेजे और बोला कि ये मेरा फूड के लिए और मेडिसिन के लिए दे देना। तो मैं लिडिया जी का बहुत वो हिंदी नहीं समझती, मैं इंग्लिश में बोलूँगी, आई एम वेरी थैंकफुल टू लिडिया, लाइक शी मेड हर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द नीडी पीपल। एंड लिडिया लेट मी टेल यू, वी आर हेल्पिंग विद द राशन फूड बास्केट एंड फॉर मेडिसिन वी आर गिवन लिटिल कैश सो दैट दे कैन बाय मेडिसिन एंड यू नो इम्यूनिटी विल बिकम स्ट्रॉन्ग। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पुलिस और डॉक्टर की तरह मीडिया वाले भी कंटिन्यूस फील्ड पर है, तो और क्या 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 कुछ आप लोगों ने सोचा है मीडिया वालों के लिए? ये तो सिर्फ 10 लोग थे, और भी बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो अभी जिनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या क्या सोचा है, क्या प्लान्स है आगे, अगर उस बारे में कुछ? देखिए मुझे ना एक मीडिया वाले का फ़ोन आया था और उसकी बीवी प्रेगनेंट थी। अभी ये ऐसा वर्ग है कि इनको कोई देखता ही नहीं है, मीडिया आती है बस इंटरव्यू देते हैं, सब उसको निग्लेक्ट करते हैं। और ये ऐसा वर्ग है कि किसी से हाथ से मांगता भी नहीं है, उसे शर्म आती है, वो घर में भूखा बैठा रहेगा लेकिन कभी किसी से मांगेगा नहीं। ये लोअर मिडिल क्लास है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो शर्म के मारे कुछ दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे वर्ग के लोगों के लिए भी लोगों को सोचना चाहिए, जो मीडिया हमको इतना फुटेज देती है, हमारा इंटरव्यू देती है, सब चीज़ों पर रोशनी डालती है, तो हमारा एक होता है कि हम उसको भी हेल्प करें। तो इसलिए मैंने जब उनको हेल्प किया तो इनका मेरे को शैलेश जी का फ़ोन आया कि मेरे लड़कों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, राशन नहीं है। तो मैंने शैलेश जी को बोला ठीक है मैं करूँगी, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करूँगी। फिलहाल तो मैं 9 लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जमा कर सकती हूँ, और आगे और लोगों को बोलूँगी, और लोग मुझसे जुड़ेंगे तो हम बड़े स्केल में करेंगे। और मैं सबसे निवेदन करूँगी कि सबको मीडिया के लिए भी करना चाहिए। उनके लिए तो लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट जो मीडिया पर्सन ये सब चीज़ को हाईलाइट करती है उनको ही कहीं ना कहीं लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे वो सबको कवर कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई कवर करेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो देयर सो मेनी प्रॉब्लम जो लगता है लोगों को सॉल्व करना चाहिए। वो और दूसरों के लिए अरेंज करते हैं लेकिन वो खुद के लिए कभी नहीं बोलते। मैंने देखा कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा ये लड़का भूखा है हमें दे दो, कभी नहीं मांगते। और गरीबों के लिए तो चलो एनजीओ आ जाते हैं, लोग चलते फिरते दे देते हैं, पर एक्चुअली प्रॉब्लम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को, बिकॉज वो लोग शर्म से ऑब्वियसली नहीं मांग पाते। हमारा पड़ोसी भूखा रहता है पर वो एक पड़ोसी से नहीं मांग पाता, तो हम लोगों को भी वैसे देना चाहिए कि वो दिखावा भी नहीं हो, उनको फील भी नहीं हो और एक हम मदद भी कर दें। तो एक्चुअली वी आर स्टार्ट वर्किंग फॉर लोअर एंड मिडिल क्लास, बिकॉज गरीबों के लिए तो चलो हम करते ही हैं, सभी करते हैं, बट मिडिल क्लास को आजकल कोई टारगेट नहीं किया, स्पेशली द मीडिया पर्सन। ये वर्क ये जो है ना, ये वर्क है ये नेग्लेक्टेड है, इसको कोई देखता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास को भी सपोर्ट किया जाए। थैंक यू सो मच।